गुड मॉर्निंग दोस्तों, बात करेंगे आज फिर आरएएस मेन इंग्लिश ऑफिसर बैच की। आज की इस क्लास में हम पार्ट थर्ड करेक्शन ऑफ द सेंटेंस पर पहुँचे हैं। आरएएस मेन के लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, उसकी क्लास नंबर थर्ड है ये। तो आइए आज कुछ और रूल जानेंगे जहाँ सेंटेंस में एरर हो सकती हैं और हम कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस क्लास नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट्स रूल्स की बात करने वाले हैं जहाँ पर सेंटेंस में करेक्शन होने की संभावना होती है। तो ये है क्लास नंबर थर्ड, क्लास थर्ड है और टॉपिक है हमारा वही करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस या करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस कि एक सेंटेंस में क्या एरर है। उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम उस सेंटेंस में जो भी आंसर ढूंढते हैं उसे ही करेक्शन ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। तो कुछ एक रूल अपने को याद करने पड़ेंगे। इसमें से पहला रूल है आज का क्लास नंबर थर्ड का। पहला रूल कहता है कि मान लो यहाँ पर कोई नाउन दे रखी है और यहाँ पर कोई एंड दे रखा है और यहाँ पर फिर कोई दूसरी नाउन दे रखी है और इस नाउन से पहले भी आर्टिकल दा है और इस नाउन से भी पहले आर्टिकल दा है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी है तो मैं बता दूं कि यहाँ कोई संज्ञा है, यहाँ पर भी कोई संज्ञा है, संज्ञा यानी कि नाउन, और इससे पहले भी आर्टिकल दा है, इससे पहले भी आर्टिकल दा है, तो आप समझ जाइए कि ये बहुवचन है, ये बहुवचन है या इंग्लिश में हम कहते हैं कि ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आएगी, मतलब क्रिया भी बहुवचन आएगी। दो आर्टिकल से आइडिया लग जाता है कि ये दो व्यक्ति हैं, इसलिए ये बहुवचन है या प्लूरल है और इसलिए वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? इससे रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे द डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड द एक्टर, द डायरेक्टर एंड द एक्टर ऑफ दिस फिल्म, ऑफ दिस फिल्म हैज़ कम। मान लो ये सेंटेंस है और नो एरर। पहला है पार्ट इस सेंटेंस का ए, दूसरा है बी और ये है सी और ये है डी। क्या बोल रहे हैं सेंटेंस? द डायरेक्टर एंड द एक्टर ऑफ दिस फिल्म हैज़ कम। इस फिल्म का डायरेक्टर और एक्टर आ चुका है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टर है, कोई संज्ञा है, इससे पहले आर्टिकल द आ गया, फिर एक्टर है, इससे पहले भी द आ गया, और दो नाउन हो और दोनों से पहले आर्टिकल द होता है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर दे रखी हैज़, ये होना चाहिए हैव। अब आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। प्लूरल हैव होता है और सिंगुलर हैज़ होता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। मान लो कि ऐसे लिखा होता द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल एंड द ओनर, ओनर ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल एंड ओनर ऑफ द स्कूल इज कमिंग हेयर, इज कमिंग हेयर। ये क्वेश्चन है और ये है नो एरर। अब आपको इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है तो ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट, ये सेंटेंस का सी पार्ट और ये डी। अब हमने देखा प्रिंसिपल आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ओनर आर्टिकल द का प्रयोग होगा, तो फिर इसका मतलब ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं तो वर्ब बहुवचन आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? आर का। ये गलती कहाँ है? सी पार्ट में। जहाँ गलती होती है वही आपका आंसर होगा। यहाँ आंसर सी है, ऊपर वाले सेंटेंस में भी सी पार्ट में गलती हुई थी, तो जहाँ हमारा गलती, जहाँ हमें गलती मिलेगी वही हमारा आंसर है।
तो रूल को याद रखना है कि अगर दो नाउन दे रखी हो सेंटेंस में, बीच में एंड हो और दोनों से पहले आर्टिकल द हो, तो फिर आपको वर्ब प्लूरल लगानी है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब अपन सेकंड रूल की बात करें, आज की इस क्लास का दूसरा रूल, रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या कहता है दोस्तों, मान लो यहाँ पर कोई नाउन दे रखा है, यहाँ पर कोई नाउन है और फिर बीच में ऑफ है और फिर एक दूसरा नाउन दे रखा है, तो आप यहाँ पर जो वर्ब का प्रयोग करोगे वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो पहली नाउन के अकॉर्डिंग होगा। नाउन ऑफ नाउन होगा तो वर्ब का यूज़ फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट नाउन के अनुसार, फर्स्ट नाउन के अनुसार वर्ब का यूज़ होगा। यानी कि इंग्लिश में हम कहते हैं व्हेन टू नाउन जॉइंड विथ ऑफ वी मस्ट यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन। अगर दो नाउन आपस में ऑफ से जुड़ी हैं तो फिर वर्ब का यूज़ फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा, ये फर्स्ट नाउन है और ये सेकेंड नाउन है, बीच में ऑफ है तो ये वर्ब जो है ना ये फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि अपन पास ये सेंटेंस है कि द पेजिस, क्या है, द पेजिस ऑफ दिस बुक, द पेजिस ऑफ दिस बुक और इज मिसिंग, द पेजिस ऑफ दिस बुक इज मिसिंग, और फिर लास्ट का ऑप्शन है हमारे पास नो एरर। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट, ये सेंटेंस का सी पार्ट और ये डी। अब इस सेंटेंस में कहाँ एरर है ये ढूंढना है, तो हमारे पास पहली नाउन है पेजेस, पेजेस मतलब बहुत सारे पेज, और फिर दूसरी नाउन है बुक, और इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, ऑफ, तो वर्ब का प्रयोग, ये वाली जो वर्ब है ये फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, तो पेज तो बहुत सारे हैं, पेजेस है बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब बहुवचन वर्ब का यूज़ होना चाहिए अर्थात आर का यूज़ होना चाहिए, और ये गलती कहाँ है, सी पार्ट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, मान लो कि अपन ऐसे कहते हैं द एप्लीकेशन, क्वेश्चन है हमारा द एप्लीकेशन ऑफ these students, the application of these students has been rejected by the principal, इन students की application को principal के द्वारा reject किया गया। तो अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है और ये डी। अब पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में कहाँ गलती है, तो दोस्तों देखो एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स दूसरा सब्जेक्ट, और बीच में कौन आ रहा है, ऑफ, दीज स्टूडेंट्स दूसरा सब्जेक्ट और द एप्लीकेशन पहला सब्जेक्ट, बीच में आ रहा ऑफ, तो ये वाली जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स तो बहुवचन है और एप्लीकेशन एक वचन है, तो वर्ब का प्रयोग पहली नाउन के अकॉर्डिंग होगा, तो पहली नाउन सिंगुलर थी, ये वर्ब भी सिंगुलर है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो रूल नंबर टू आप याद रखें, अगर दो नाउन है और बीच में ऑफ है तो वर्ब का प्रयोग जो है वो पहली नाउन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं, रूल नंबर थर्ड। अब रूल नंबर थर्ड क्या कहता है हमारा, रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि आपने ये पढ़ा होगा कि मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। मान लो ये सेंटेंस है, बहुत ही आसान सा सेंटेंस है, मैथमेटिक्स इज नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। अब ये इस सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है और ये डी।
इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स कोई भी एरर नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर आ रही है। इसी तरह फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट होता, वर्ब सिंगुलर आती है। लेकिन याद करने वाली बात क्या है, रूल क्या है हमारा? हमारा जो रूल है वो ये है, रूल नंबर थर्ड, कि अगर किसी नाउन का अंत आई सी एस से होता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स या इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, उसके साथ आपको वर्ब जो है ना वो सिंगुलर लगानी है। वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है, यानी कि एकवचन लगानी है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया, मैथमेटिक्स का अंत आई सी एस से हो रहा था, हमने वर्ब सिंगुलर लगाई। ये तो हुआ ए रूल। इसका बी रूल भी है दोस्तों। बी रूल क्या है, अगर किसी नाउन का अंत आई सी एस से होता है और उससे पहले माई या हीज या हर या आर या योर या देयर, इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ये होते तो फिर यहाँ पर वर्ब कैसी होगी? फिर यहाँ पर वर्ब होगी प्लूरल। अब सेंटेंस से समझते हैं इस बात को कि मान लो अपने पास ये वाला सेंटेंस था, जब तो हमने वर्ब सिंगुलर लगाई थी, ये सेंटेंस सही था। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलता हूँ कि माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, और ये सेंटेंस में है नो एरर। तो ये है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, ये है सेंटेंस का सेकंड पार्ट, और ये है सेंटेंस का थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। आप देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं माई मैथमेटिक्स, इस आई सी एस वाले शब्द से पहले क्या आ रहा है? माई। अगर आई सी एस से अंत होता है शब्द और उससे पहले आता है माई हिज हर, तो आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो यहाँ पर दोस्तों इज नहीं चलेगा, यहाँ पर होना चाहिए आर, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, इस तरह से होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अपन कहते हैं योर पॉलिटिक्स, क्वेश्चन है योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, आपकी राजनीति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से नो एरर, ये क्वेश्चन है। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट, ये सी और डी। हमने देखा आई सी एस से अंत हो रहा है, इससे पहले योर आ रहा है, तो फिर ये वर्ब कैसी होगी? ये वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन इसको अगर हम ऐसे लिखते, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा खेल है, तो फिर यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते थे अपन, क्योंकि इस आई सी एस से अंत होने वाले शब्द से पहले अब कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, अर्थात माई हिज हर इस तरह से नहीं है, तो फिर आप वर्ब सिंगुलर लगा सकते हैं। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। अगला रूल हमारा, अगला रूल क्या है? अगला रूल है हमारा ये, अगला रूल कहता है कि अगर 100, 100 या फिर 1000, 1000 या फिर डजन या फिर स्कोर, इनके साथ आपको वर्ब कैसी लगानी है? अगर इनसे पहले कोई संख्या हो, अर्थात कोई नंबर हो, इनसे पहले कोई नंबर हो या संख्या हो, तो इनके बाद जो वर्ब है, सॉरी, इनका प्लूरल नहीं बनेगा, तब नो प्लूरल, तब इनका प्लूरल नहीं बनेगा। अगर इनसे पहले कोई नंबर है तो आप 100, 1000, डजन और स्कोर का प्लूरल नहीं बनाएंगे, अर्थात बहुवचन नहीं बनाएंगे। हाँ, इनसे पहले अगर सम या मेनी या ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इस तरह के कोई डिटरमिनर्स हों, तो फिर आप इनका प्लूरल बना सकते हैं, तो आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। या फिर एक चीज़ और हो कि इनसे पहले कुछ भी ना हो, तो भी आप इनका प्लूरल बना सकते हैं।
तो प्लूरल बना कब नहीं सकते? जब इनसे पहले कोई संख्या हो, तो आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते इनका। अगर इनसे पहले सम, मेनी, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ इस तरह से होगा तो आप प्लूरल बना सकते हैं इनके साथ, और अगर इनसे पहले कुछ भी नहीं है तो भी आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। अब इनको अपने एक एग्जाम्पल से समझने की करते हैं कोशिश। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आई हैव 500, आई हैव 500 रुपीज़ रुपीज़ इन माई पॉकेट। मैं कहता हूँ कि मेरी जेब में 500 रुपये हैं, और ये सेंटेंस है नो एरर। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट, ये हो गया सेंटेंस का सी पार्ट, और ये हो गया डी। अब आपसे पूछा जाए गलती कहाँ है, तो देखो 100 को मैंने प्लूरल किया है जबकि इससे पहले संख्या है, और जब संख्या होगी 100 से पहले तो ये कह रहा है इसका बहुवचन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये 100s नहीं होगा, यहाँ पर ओनली 100 होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हैव 500 रुपीज़ इन माई पॉकेट। और ये जो रुपीज़ है ना, इस ये भी गड़बड़ करता है कभी कभी। जे दो सेंटेंस देखिए आप यहाँ, जैसे अपन कहते हैं कि 500 रुपीज़ इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, कि 500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने रुपीज़ किया है, और ये सेंटेंस करेक्ट भी है। अब दूसरा सेंटेंस अगर हम ऐसे लिखें कि ही गेव मी ए 500 रुपीज़ नोट, ये सेंटेंस है। अब मान लो ये कोई एरर का क्वेश्चन होता, ये ए पार्ट होता, ये बी पार्ट होता, ये सी पार्ट होता, और यहाँ होता नो एरर, नो एरर। तो दोस्तों यहाँ पर सी पार्ट में एरर था। एरर क्या था कि ये रुपीज़ नहीं हो सकता, ये क्या होता, ओनली रुपी होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी रुपीज़ के बाद अगर कोई नाउन पड़ा हो तो हम इसको बहुवचन नहीं बनाएंगे, खाली रुपी होगा। यहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं था। तो अगर रुपीज़ के बाद कोई नाउन नहीं है जब तो हम उसको रुपीज़ करेंगे, अगर रुपी के बाद अगर कोई नाउन है जैसे नोट तो हम इसको बहुवचन नहीं करेंगे, ये याद रखना। और बाकी 100, 1000, स्कोर, डजन, इनसे पहले अगर कोई संख्या आ गई तो आप प्लूरल नहीं बना सकते, कोई संख्या नहीं है तो आप प्लूरल बना सकते हो। प्लूरल कैसे बना सकते हो और भी बना के देख लेते हैं इसमें। मान लो ये सेंटेंस था कि शी गेव मी 2 dozens, 2 dozens बनानास, बनानास, है ना, ये सेंटेंस है नो एरर। अब ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी, और ये डी। अब हमने देखा कि डजन से पहले संख्या आ रही है तो हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते, ये ओनली डजन ही होगा। लेकिन बहुवचन बना कब सकते हैं, जैसे ऐसे बना सकते हैं, आई गेव हिम सम डजन्स बनानास, बनानास। हाँ, ऐसा कोई सेंटेंस हो तो फिर आप उसका प्लूरल बना सकते हो। ये ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। अब आपने डजन का बहुवचन क्यों बनाया, क्योंकि इससे पहले सम था, तो फिर आप इसका बहुवचन बना सकते हैं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं दोस्तों, याद रखना कि एक होता है शीप और एक होता है डियर। शीप माने भेड़ और डियर माने हिरन। इनके साथ SES लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इनके साथ एस या ES लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ये याद रखें आप। इनके साथ SES लगाकर इन्हें प्लूरल
नहीं बनाया जा सकता, कहीं आप इनके साथ एस एस लगाकर इनको प्लूरल बनाओ तो ऐसा गलत होगा। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, आई हैव टू शीप्स, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आई हैव टू शीप्स, मेरे पास दो भेड़े हैं। और अगर इसको ऐसे लिखा जाए, ये इसका ए पार्ट, ये इसका बी, ये सी और डी, तो यहाँ पर शीप को बहुवचन नहीं बना सकते हम, शीप शीप ही रहेगा, इसको शीप्स नहीं करेंगे। जैसे टू डियर्स, डियर्स होते हैं हिरन, तो डियर, टू डियर्स आर कमिंग हेयर, दो हिरन इधर आ रहे हैं, टू डियर्स आर कमिंग हेयर, तो दोस्तों डियर को भी हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो ये थे आज की क्लास नंबर थर्ड, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस पार्ट ऑफ थर्ड, और ये क्लास थर्ड थी। इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी है, इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन क्लासेस को ज़रूर देखें। फर्स्ट टॉपिक है आरएएस मेन के इंग्लिश के लिए, जो 80 नंबर की इंग्लिश आएगी, उसमें हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। इसमें मैं बहुत सारे आपको रूल बताने वाला हूँ, और आपको फिर इन सभी रूल्स को पढ़कर पता चलेगा कि सेंटेंस में कहाँ करेक्शन की जा सकती है, और जहाँ करेक्शन है वहीं हमारा आंसर होता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए, और अपने आरएएस बनने के सपने को पूरा कीजिए आरएएस मैन इंग्लिश ऑफिसर बैच के साथ। अगली क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।